सड़क चौड़ीकरण कार्य को लेकर पेड़ काटने में वन विभाग द्वारा लगाए गए मजदूर अपनी मजदूरी के लिए वन विभाग कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। सड़क चौड़ीकरण के तहत दुर्ग के पुलगांव चौक से अंडा तक सड़क किनारे लगे पेड़ों को हटाने वन विभाग द्वारा बाकायदा लगभग 30 की संख्या में पेड़ काटने मजदूरों को लगाया गया। वहीं इन मजदूरों की मजदूरी प्रतिदिन के हिसाब से 700 कुछ रुपए होते हैं, जो अब तक इन्हें नहीं मिल पाई है। इसके विरोध में सुबह वन विभाग कार्यालय पहुंचकर इन मजदूरों ने अपनी मजदूरी दिए जाने को लेकर आक्रोश जताया और प्रदर्शन किया। इस संबंध में मजदूरों ने मीडिया के समक्ष अपनी नाराजगी जाहिर की। पुलगांव रोड का लकड़ी कटाई 12 किलोमीटर का था, जिस कटाई को 1097 पेड़ था। 1097 में सारे पेड़ काट दिए गए, 147 पेड़ बचे हैं। सारे पेड़ की कटाई करके पुलगांव डिपो अंडर डिपो में लकड़ी ले जाके थप्पी करके चट्टा मार के सारे मजदूरों के साथ काम करवाया गया और काम करके हम उसको कंप्लीट करके दे दिए हैं। 147 पेड़ बचे हुए हैं, जिसको हमारे वन विभाग के अधिकारी बोलते हैं उस पेड़ को कटाई किया जाए, लेकिन हमारे मजदूर लोग को एक भी रुपए का भुगतान नहीं किया गया है, इसलिए हम लोग काम को रोक दिए हैं। और हमारा पेमेंट कई बार हम रेंजर के पास गए, लेकिन हमारा पेमेंट अभी तक नहीं किया गया। कोई जाति दुश्मनी नहीं है, ना ही कोई पर्सनल मैटर है हमारा, बस हमें हमारा भुगतान मिल जाए। हम 4 महीने से यहाँ पे पेड़ कटाई का कार्य कर रहे हैं। वन विभाग द्वारा हमें पेड़ काटने का आदेश मिला गया था, तो उस पेड़ को कटाई किया गया है। हम लोग टोटल लगभग 25 से 30 लेबर थे। 740 रुपये पर डे का हमको भुगतान मिला जाएगा, ये कहा गया था, लेकिन अभी तक 4 महीने से हमें 1 रुपये भी नहीं मिला हुआ है। और जब भी जाते हैं पेमेंट के लिए बात करने के लिए, तो बोलते हैं कि आप जो काम बचा है उसको पूरा करिए, आपको 10 दिन में पेमेंट पूरा करवाया जाएगा। तो ऐसा आश्वासन दे दे के 4 महीने तक अभी हो गया, हमको बहुत आर्थिक रूप से प्रॉब्लम जा रहा है सर। घर में आर्थिक परेशानी है, वेतन ना होने के कारण बच्चों का फीस नहीं भरा जा सका है अभी तक, जिसके कारण स्कूल में भी बोला जा रहा है कि बच्चे लोग को परीक्षा में बैठना नहीं दिया जा पाएगा। ये सब बहुत सारी परेशानी है सर, हमको हमारा बस वेतन चाहिए, हमसे कोई किसी से कोई आपत्ति नहीं है सर। बुधवार को अपने रुके पैसों की मांग को लेकर किए प्रदर्शन को लेकर वन विभाग के वन मंडल अधिकारी शशि कुमार ने भी मामले की जानकारी इस प्रकार से दी। कुछ लोग मेरे ऑफिस में आए थे, इस तरह की मुझे जानकारी मिली है, जो भी मजदूर है उनका पेमेंट कर लिया जाएगा, और अगर इस तरह की कुछ चीजें हैं उसका मैं जाँच करवाऊंगा, और जाँच करके जो रिजल्ट आएगा उस तरह से उसमें कर लिया जाएगा। जो अंडा से मिनी माता चौक है, उसमें PWD द्वारा जो हमारा स्टैंडर्ड नॉर्म्स है उस राशि हस्तांतरित किया गया था, और वहाँ पे वृक्ष की कटाई चल रही है। और यहाँ पे कुछ वृक्ष ऐसे हैं जिनको हम ट्रांसलोकेट भी करना चाह रहे हैं, और कुछ वृक्ष ऐसे हैं जो कि बिजली के जो तार है उसके आजू बाजू है। इस कारण से इलेक्ट्रिसिटी विभाग से भी, जो विद्युत विभाग है उससे भी सहायता ली जा रही है, और वहाँ पे कुछ जगह पावर कट करके भी हम ट्री को वृक्ष को काटेंगे। कोई भी काम किसी और को नहीं दिया जाएगा, जो वृक्ष काटने का काम है वो वन विभाग द्वारा ही किया जाएगा। बहरहाल कुछ वहाँ पे 36-37 वृक्ष ऐसे हैं जो कि काफ़ी पुराने हैं, जो कि पीपल के वृक्ष हैं, जिसको हम लोग चाह रहे हैं कि उसको ना काटें और उसको ट्रांसलोकेट कर दिया जाए। तो ट्रांसलोकेशन करने के लिए हम लोग कुछ ही दिनों में टेंडर फ्लोट करेंगे, और इसमें जो पात्र आएंगे वो उनको ट्रांसलोकेशन का काम दिया जाएगा। इस संबंध में मैं एक जांच कमेटी बैठा दूंगा, इसमें जांच की जाएगी। अगर इसमें ऐसा कुछ है कि पेमेंट नहीं हुआ है तो उसमें कार्यवाही की जाएगी, और सब जो भी मजदूर काम किए हैं उनका पेमेंट किया जाएगा। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्गा से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।